हेलो हाय स्पंकी, मैं बिल्लू बोल रहा हूँ। मेरे को एक केप बनवानी है, माइनक्राफ्ट में बना देगा? अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन केप होता क्या है? आर यू सीरियस ब्रो? आज वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपनी कंधे के वस्त्र यानी कि केप को कैसे चेंज कर सकते हो। मतलब कि अगर आप लोगों को कस्टम केप बनाना है अपनी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में, तो उसको कैसे इजीली बना सकते हो। और यार शायद कोई ने हिंदी में वीडियो बनाया ही नहीं इसके ऊपर। डोंट वरी गाइज, मैं हूं ना, मैं किस दिन के लिए है, मेरे को सब्सक्राइब क्यों करके रखा तुम लोग ने। और हम लोग के 200 के होने वाले हैं, आई थिंक हो गए होंगे अभी तक, मेरे को नहीं पता। जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब मेरे 700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यानी कि 1,99,700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो यार अभी भी तुम लोग को वही दिख रहा है ना, तो यार हिट दैट सब्सक्राइब बटन। नीचे जो लाल कलर का दिख रहा है, क्या कर रहे हो यार? तुम्हारे लिए भाई वो, क्लिक करो उस पे, क्या कर रहे हो। और हाँ, ये केप को बनाने के लिए आप लोगों को क्या क्या लगेगा मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, ताकि आप लोग प्री प्रिपेयर्ड हो सको। अबे क्या मतलब प्री प्रिपेयर्ड होने के लिए वीडियो छोड़ के भागने लग गए? मजाक कर रहा हूँ आप लोग को। इसके लिए पता क्या क्या लगेगा आप लोग को? सबसे पहले लगेगा पिक्सल लैब, जो कि आप लोग को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। एक लगेगा जेड अचीवर, जो कि ऑब्वियसली तुम लोग के पास होगा। और एक लगेगा माइनक्राफ्ट। ये माइनक्राफ्ट में ही तो बना रहे, तो माइनक्राफ्ट तो लगेगा ही ना। बट आगे बढ़ने से पहले मैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन वाले प्लेयर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं आप लोग को बताने वाला हूँ गॉड स्पंकी सर्वर के बारे में। ये मेरा ही सर्वर है, और अगर आप लोग को हाई पिक्सल जैसे स्काई ब्लॉक खेलना है, या फिर आप लोग को बैड वॉर या फिर दूसरे गेम्स खेलना है, तो आप लोग इस पे इजीली खेल सकते हो। इसमें आप लोग को बहुत ज्यादा गेम मिल जाते हैं, जैसे कि स्काई वॉर, स्काई ब्लॉक, बैड वॉर्स, और भी भाई बहुत सारे गेम्स आने वाले हैं, जैसे सर्वाइवल और लाइफ स्टील। और आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे कि मोबाइल या फिर पीसी दोनों से खेल सकते हो। और अगर आप लोग के पास क्रैक्ड है तो आप उससे भी खेल सकते हो। तो अगर आप लोग को भी इसको ज्वाइन करना है, तो आप लोग को मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर आप लोग को इसका आईपी और पोर्ट मिल जाएगा, वहां से आप इजीली खेल सकते हो। तो काय का वेट कर रहे हो और जाओ, इतना बढ़िया सर्वर है। नाउ बहुत हो गया टाइम वेस्ट, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। बट एक बात का ध्यान रहे, अब जो मैं स्टेप बताने वाला हूं ना भाई, उसको एकदम ध्यान से देखना, नहीं तो अगर कोई भी चीज मिस हो गई ना, तो केप तो नहीं चलेगी, लेकिन तुम्हारा माइनक्राफ्ट अलग क्रैश हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये वाली फाइल को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है, और उसको आप लोग को जेड अचीवर में ओपन करना है। और यहाँ पर आप लोग को इसको माइनक्राफ्ट में ओपन नहीं करना है, अभी आप लोग को इसको एक्सट्रैक्ट हियर करना है। अब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट हियर किया, यहाँ पर एक फोल्डर आया, एंड फोल्डर के अंदर आपको जाना है, उस पर लिखेगा टेक्सचर, और टेक्सचर में देखो आपको इस टाइप की एक मेरी गंदी वाली भद्दी सी केप दिखेगी। कोई नहीं, अभी ये भद्दी केप को अपन अच्छी वाली केप बनाएंगे। तो अभी आप लोग को बैक जाना है और अपना पिक्सल लैब ओपन करना है। अब पिक्सल लैब आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से न्यू टेक्स्ट दिखेगा, तो उसको डिलीट मार देना। नाउ अब क्या करना है आप लोग को, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी करना है। साइड में तीन लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे जाके जेड अचीवर में जाना है, और आप लोग को वही वाला फोल्डर ढूंढ लेना जहां पर ये फोल्डर है, टेक्सचर्स में जाना है, और ये कस्टम केप को आपको इंपोर्ट कर लेना पिक्सल लैब में, और इसको अब बड़ा करना है आपको। लेकिन ध्यान रहिए लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए। उसके बाद आप लोग को सेकंड लास्ट ऑप्शन में जाना है और इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। इससे क्या होगा, पीछे वाला ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, एंड उसके बाद आपको इसको एडजस्ट कर लेना जो अपने इमेज लाए हैं। अब नाउ ये जो गंदी वाली है इसको कैसे चेंज करना है, तो आप लोग को यहां बीच वाले में जाना है और कलर पे चेंज करना है। तो देखो मेरी ये चली गई, और अब आपको जिस कलर की इसको बनाना है बना सकते हो। अब बाय चांस मेरे को यहां पर इसको ब्लैक कलर की, जैसे ग्रीन की बनाना है मेरे को, तो मैं ग्रीन कर सकता हूं। यहां पर मेरे को जिस कलर की बनाना है उस कलर की, लेकिन अभी मैं ब्लैक बना रहा हूं यहां पर, और अभी मैं यहां पर टिक कर दूंगा, तो देखो ब्लैक हो गई है। अब आप लोग यहां पर जो भी चीज डालना चाहे डाल सकते हैं। अब जैसे कोई टेक्स्ट डालना चाहो टेक्स्ट डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहां एक इमेज डाल रहा हूं। ये रही एक मनहूस इमेज जो कि मैंने डाउनलोड की थी गूगल से, और इस पे स्पंकी लिख दिया मैंने, लेकिन मैं ये नहीं हूं बिल्कुल भी। अभी आप लोग को यहां पर जैसे इमेज को सिलेक्ट करना है, ध्यान रहे 9:16 होना चाहिए, मतलब कि एकदम लंबे लंबे साइड में होना चाहिए। और उसके बाद आप लोग को उसको एडजस्ट कर देना है जितनी बड़ी अपनी केप है। मैं वीडियो में बिल्कुल भी कट नहीं लगा रहा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। आप लोग को उसको अच्छे से एडजस्ट करना है, कोई भी बाहर या अंदर नहीं होना चाहिए। और यहां पर देखो मेरा अच्छे से एडजस्ट हो चुका है, आप यहां पर कोई भी इमेज लगा सकते हो। और यहां पर मैं इसको सेव करता हूं, और आपको इसको PNG फॉर्मेट में ही सेव करना है, दूसरे मत कर लेना, और इसको अल्ट्रा में करके सेव टू गैलरी कर देते हैं। नाउ सेकंड स्टेप में आपको जाना है Z अचीवर में, और अब आप लोग को जो टेक्सचर्स दिख रहा है ना ये वाली, उसको PNG को चेंज करना है। तो अभी हम लोग जो बनाया है आप लोग को वो वाली लोकेशन में जाना है। आपको ये अपने एंड्रॉइड के फोन लोकेशन में मिल जाएगा पिक्सल लैब में, और यहां पर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं और सबसे नीचे मिलेगा ये आपको। तो ये रहा यहां पर, तो मैं इसको कॉपी कट दोनों में से कोई एक चीज कर लेता हूं। मैंने कॉपी किया एंड यहां पर गया मैं डिवाइस मेमोरी में, और यहां पर कस्टम केप, यहां पर टेक्सचर्स, और यहां पेस्ट कर देना है। और अब ध्यान रहिए जो custom.cape.png ना, इसको यहां से डिलीट मार देना, और ये जो हमने जो इंपोर्ट मारे ना, इसको रीनेम करके custom.cape.png कर देना। देखो जैसे मैं लिख रहा हूं अच्छे से, देखो custom.cape.png, और ओके बस हो गया अपना काम। अब थर्ड स्टेप को ध्यान से देखो, आप ये जो पुराना वाला है ना, ये पुराने वाले को सबसे पहले डिलीट मारो। देखो मैंने पुराने वाले को डिलीट मारा, और ये जो फोल्डर है ना, आपको फोल्डर पर दबा के रखना है और कंप्रेस में क्लिक करना है, और ये जो डॉट जिप है ना, इसको हटाने के बाद MC add-on लिख
लिखना है और ध्यान रहे कंप्रेशन लेवल जिप होना चाहिए बस। अब आप लोग को इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इम्पोर्ट कर लेना माइनक्राफ्ट में। अभी मैं माइनक्राफ्ट में आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरा इम्पोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब आप लोग को यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर ग्लोबल रिसोर्सेज में जाना है और ये जो कस्टम केप है ना इसको एक्टिवेट कर देना है। और जैसे ही आप लोग बैक आओगे ना तो आप लोग देखोगे भाई बूम आप लोग की केप लग चुकी है और मेरी केप देखो लग चुकी है। पता नहीं यार इतनी अजीब क्यों दिख रही है, आपको कैसी लग रही है मेरे को बताना। 10 ऑन में से कितने नंबर देना चाहोगे इसको। अभी मैं वर्ल्ड में आ चुका हूँ, आपको कोई रिसोर्सेस पैक में एक्सपेरिमेंटल ऑन करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब मेरी केप इतनी मस्त दिख रही है क्या, ये विलेजर देखो भाई एक टक देखे जा रहा है। अबे आंख झपका ले नूब, भाई साहब मेरी केप को कैसे देख रहा है, देख रहे हो भाई क्या हो गया, मेरी केप इतनी अच्छी लग रही है क्या। मेरे को कमेंट करके बताना आप लोग इसको कितना रेटिंग देना चाहोगे। एंड मैं ये खरगोश से पूछता हूँ, खरगोश अबे ये भी मेरी केप देख रहा है भाई साहब। खरगोश देखो पसंद आ गई केप, चाहिए देखो इतनी लंबी केप है भाई साहब, इसका पूरा खानदान ढका जाएगा इस पे। और ये देखो भाई दूसरा खरगोश भी मेरी केप कैसे घूम घूम के देख रहा है, ये देखो मतलब कि एकदम अच्छी लग रही है ना। तो आप लोग भी इस टाइप से बना सकते हो और इस वाले विलेजर से भी पूछते क्या विलेजर अच्छी लग रही है, बनाना तेरे लिए भी, लाओ लाओ 150 रुपए लाओ लाओ। खरगोश सर पूरे दोस्तों ने बता दी तुम्हारे, तुम भी बता दो। बवाल चीज है बे भाई, है तो बवाल चीज एकदम एकदम, देखो ना कितना मस्त दिख रहा है। और आप लोग भी इसको कस्टम बना सकते हो तो और क्या ही चाहिए यार। और वीडियो को लाइक नहीं किया तुम लोग ने अभी तक, भाई 4000 लाइक है, मैं जाओ जल्दी से कराओ। आप लोग करो लाइक एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वाली वीडियो में। और हाँ डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना अगर आप लोग को गॉड इज पंगी नेटवर्क में खेलना है। तो मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वाली धमाकेदार वीडियो में, और वीडियो आएगी 2 दिन बाद, जैसा अब मैं 2-2 दिन बाद वीडियो डाल लूंगा। तो और कमेंट भी कर देना एक अच्छा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वाली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।